और रायपुर लोकसभा सांसद सोनी ने पत्रकारों से चर्चा की है, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया है कि आलोक शुक्ला अधिकारी है या नेता, साथ ही संविदा के पद पर कार्यरत अधिकारी के रवैये को समझ से परे बताया है। उन्होंने कहा है कि एक संविदा अधिकारी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आदेश दे रहा है। सोनी ने कहा है कि अभी तक कोरोना को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस नेता गलत बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब तो सरकार के अधिकारी भी अपनी सीमा लांघकर गलत बयान दे रहे हैं। जिन वेंटिलेटर को स्वास्थ्य सचिव लगभग 11 महीने के बाद खराब बता रहे हैं, उनका उपयोग ही नहीं किया गया। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वेंटिलेटर डंप करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री मुख्यमंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब तो हद हो गई कि स्वास्थ्य सचिव जो है आलोक शुक्ला जी, उन्होंने सारी अपनी सीमाएं लांघ कर जो बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि जो 230 वेंटिलेटर पहले आए थे उसके अंदर मात्र 4 खराब थे, अभी जो 320 वेंटिलेटर आए हैं उसमें 45 खराब है। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि क्या भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार जो अभी तक के पहले जो 230 वेंटिलेटर आए थे 4 खराब थे, 226 वेंटिलेटर आपने लगा दिया क्या, और लगाया तो कहां कहां पर लगाया है, और अभी जो है 275 ठीक है बता रहे हैं, इसको आप